नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। वायुसेना ने मुरैना में दो लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर कल बीटिंग रिट्रीट के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह सम्पन्न हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आर्यना सबालेंका ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये समय उपलब्धियों भरा है। भारत जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है। एक समय था जब हम असॉल्ट राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाते थे। आज सेना की जरूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं जो हम भारत में बना रहे हैं। आज हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं। श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा को उसकी युवा शक्ति निरंतर गति दे रही है। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है वो ऊर्जा है युवा, और भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है, इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत के युवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत के भविष्य का मंत्र है और इसी के बल पर देश महानता के नए सोपान चढ़ेगा। कार्यक्रम में देश के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों से 1 लाख से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज सेना के तीनों अंगों में महिलाएं तैनात हैं। आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने 75 रूपये मूल्य का नया सिक्का भी जारी किया। वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय भावना के अनुरूप 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स भी रैली में आमंत्रित किए गए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्टार्टअप्स अवसरों का उपयोग करने के लिए युवाओं को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। जम्मू के कठुआ जिले में आयोजित यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव के उद्घाटन अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उत्तर भारत में सरकारी सेवा की मानसिकता स्टार्टअप संस्कृति के लिए एक बाधा साबित हो रही है। जम्मू और कश्मीर में शुरू पर्पल रेवोल्यूशन में स्टार्टअप के लिए आकर्षक मार्ग हैं। श्री सिंह ने कहा कि कुछ उदाहरणों पर ध्यान देने की बात है जिसमें कई युवा उद्यमियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आकर्षक नौकरियां छोड़कर अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एग्री टेक स्टार्टअप की विशाल क्षमता है क्योंकि भूगोल और जलवायु परिस्थितियां औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के अनुकूल हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं से स्टार्टअप संस्कृति को न छोड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समय के साथ विश्व की कई सभ्यताएं नष्ट हुईं, लेकिन भारतीय सभ्यता अक्षुण रही है।
उन्होंने कहा कि भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की सारी कोशिशें विफल रही हैं। श्री मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मालासेरी डुंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में कहा कि भारत इस समय स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रख रहा है और इसके पीछे समाज तथा जनता की शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भगवान देव नारायण ने समाज में फैली कुरीतियों का नाश किया और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं, क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वायुसेना ने दो लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं। एक ट्वीट में वायुसेना ने कहा कि आज सुबह लड़ाकू विमान ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। वायुसेना ने बताया कि इस प्रशिक्षण में शामिल तीन में से एक पायलट को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने युवाओं से भारत को 2027 तक विश्व का अग्रणी देश बनाने में योगदान की अपील की है। कर्नाटक के हुबली में बीवी भूमाराड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्लेटिनम जुबली समारोह में उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने करियर के साथ साथ देश के विकास में योगदान का लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को शिखर पर ले जाना चाहते हैं और भारत को 2025 तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मजबूत नींव रखी जा रही है। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को आज उनकी जयंती पर संसद में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश तथा अन्य संसद सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर लाला लाजपत राय के जीवन पर आधारित द्विभाषी पुस्तिका गणमान्य व्यक्तियों को भेंट की गई। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह टाउन बोर्डवली से और केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर सीटों से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बिप्लब कुमार देव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बीच 60 सदस्यों वाली विधानसभा के 16 फरवरी को होने वाले चुनाव के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में माकपा के वाम मोर्चा ने 46 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। वाम दल के नेताओं ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का संकेत दिया है, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस के लिए 13 सीटें छोड़ी हैं। नामांकन पत्र 30 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर कल बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। इस समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। एक रिपोर्ट। सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड 29 मनमोहक धुनें बजाएंगे। राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो देखा जा सकेगा, जिसमें 3,500 स्वदेशी ड्रोन नजर आएंगे। इस शानदार ड्रोन शो से रायसीना हिल्स का आसमान जगमगा उठेगा। ये ड्रोन शो देश के युवाओं की तकनीकी दक्षता, स्टार्टअप पारिस्थिति तंत्र की सफलता और भविष्योन्मुखी रुझान का भव्य प्रदर्शन होगा। समारोह की शुरुआत अग्निवीर की धुन से होगी और समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का उद्यान कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर आयोजित उद्यान उत्सव 2023 में उपस्थित रहेंगी। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। अब इसका नाम अमृत उद्यान होगा। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार ये उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये उद्यान सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। दर्शकों के लिए हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। उद्यान देखने के इच्छुक दर्शक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.राष्ट्रपति सचिवालय.gov.in। दर्शक सीधे पहुंचकर पंजीकरण कराने के बाद भी उद्यान देख सकते हैं। प्रवेश और निकास के लिए प्रेसिडेंट एस्टेट का द्वार संख्या 35 तय किया गया है, जबकि सीधे पंजीकरण के लिए द्वार संख्या 12 के निकट व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति ने अपने आवास में बने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। राजस्थान के जोधपुर में 2 फरवरी से 4 फरवरी तक G20 के शेरपा ट्रैक के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की होने वाली पहली बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर को राजस्थानी संस्कृति और विशेष थीम से सजाया गया है। मोटे अनाज से विशेष रूप से तैयार व्यंजन प्रतिनिधियों को परोसे जाएंगे। बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सबालेंका ने फाइनल में कजाखस्तान की एलिना रायबकिना को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर ये जीत दर्ज की है। आर्याना सबालेंका का ये पहला सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया था। इससे पहले भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला के 3 मैचों में न्यूजीलैंड को हराकर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कार्य जारी है। ये पुल 90 वर्ष पुराने लक्ष्मण झूला के बराबर में बनाया जा रहा है। पदयात्रियों के लिए सुरक्षित न होने के कारण लक्ष्मण झूला को पिछले 1 साल से बंद कर दिया गया है। ओडिशा में एफआईएच हॉकी विश्व कप में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को क्लासिफिकेशन मुकाबले में 5-2 से हरा दिया है। इससे पहले आज खेले गए अन्य क्लासिफिकेशन मैचों में मलेशिया ने जापान को 3-2 से हराया। फाइनल कल जर्मनी और बेल्जियम के बीच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। वायुसेना ने मुरैना में 2 लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर कल बीटिंग रिट्रीट के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।